जयपुर में एक तरफ गर्मी है, उस गर्मी से थोड़ी देर पहले ही राहत मिली है। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस वक्त बरसात का जो सिलसिला है वो तेज बारिश के बाद अब हल्का पड़ गया है और सड़कों पर पानी जाम, लेकिन मौसम के अंदर राहत मिलती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन जो सब्जियों ने आग लगा रखी है वो राहत इतनी आसानी से मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। मैं आपको कंपैरिजन बताना चाहूँगा इस सब्जी का। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ये टिंडा, जो आम आदमी की जो फसल है, जो आम आदमी का सब्जी है, जो 30 से 40 रुपए के किलो तक मिलता है, वो 150 रुपए किलो तक पहुंच गया है। 150 रुपए किलो तक पहुंच गया, ये 200 रुपए किलो तक पहुंच गया है। और 200 रुपए की इसकी बराबरी ये कर रहा है ये फ्रूट, ये मलेशियन अंगूर है, 200 रुपए किलो है, और जिसकी बराबरी हमारा देसी टिंडा जो है वो कर रहा है। बात करेंगे टमाटर की। टमाटर आप देखिए, ये जो टमाटर, ये टमाटर लाल है और इसकी लालिमा इस बात को लेकर भी है क्योंकि ये 150 से 200 रुपए किलो बिक रहा है। और इसी 200 रुपए किलो, जो कभी 50 से 60 रुपए किलो बिका करता था, अब ये टमाटर 150 से 200 रुपए किलो है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ में सावन में जो हरा हरा है, वो मिर्च में भी हरा रंग जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी कीमत भी 80 रुपए तक पहुंच गई है। और ये सब हो रहा है मौसम में अचानक हुए परिवर्तन के बाद, विपर्जॉय के बाद, लगातार जो बारिश आई थी उसमें खेतों में फसल पानी भर गया है, जिसकी वजह से फसलें जो नहीं आ पा रही हैं। टमाटर जो बेंगलोर से आ रहा था वो अब कम आ रहा है, इसकी वजह से उसका रेट में घटत और बढ़त हो रही है। इसके अलावा अदरक जो है वो भी जो 400 रुपये किलो तक पहुँच गई है, ये अदरक भी 400 रुपये किलो तक पहुँच गई है। यहाँ पे जो दर्शक हैं, आप बताइए, आप इस वक्त क्या चीज़ खरीदने आए हैं और सब्जियाँ महंगी क्यों हो रही है, क्या स्टॉक हो रहा है क्या इनका, ये मालूम किया जाए। स्टॉक की करने की वजह से हो रहा है, स्टॉक की वजह से भी हो सकती है प्रॉब्लम। क्या मौसम की बरसात जो इन सब्जियों के में कभी इफेक्ट हो सकता है इसके अंदर? बरसात भी जो है अपना रंग दिखा रही है, तो पॉसिबल है कि सब्जियाँ खराब हो रही होगी। आप जो घर में जो सब्जियों पर जो बजट था वो बढ़ गया, तो कैसी पूर्ति करेंगे उसकी? वो कम लेकर पूर्ति करेंगे जब जरूरत, तो घर की कुछ सब्जियां बना के पूर्ति करेंगे, और तो क्या हो सकता है। तो बिना मौसम की जो बारिश हुई थी उस बीच में क्या है, फसलें खराब हो चुकी, जैसे टमाटर वगैरह, टमाटर बरसात में खराब हो जाता है। अब जब आप बात करो हरी मिर्च की, हरी मिर्च की फसल बरसात में खराब हो जाती है, तो इस वजह से माल आवक कम हो गई, आधा ज़्यादा माल वैसे वेस्ट हो गया। अब जब आप बात करो टिंडे की, तो टिंडे का भी मौसम नहीं है, ठीक है, टिंडा भी बाहर का आ रहा है। अब बाहर का आएगा तो महंगा बिका, देसी जो सीजन के अंदर जो टिंडा आता है वो उस टाइम में 40 से 50 रुपए किलो बिकता है, इससे ऊपर बिकता नहीं। अभी उसका सीजन है। अभी सस्ती कौन सी है? अभी सबसे सस्ती सब्जी है लौकी। क्या भाव है? लौकी 60 रुपए किलो है। आलू है, आलू 20 रुपए किलो है। प्याज 30 रुपए किलो है। प्याज 30 रुपए किलो है। 30 रुपए किलो प्याज 30 रुपए किलो, क्योंकि प्याज भी बरसात में बिक जाता है तो खराब हो जाता है। तो सब्जियों के महंगे होने से आप इस वक्त देखिए मंडी में, हालांकि भीड़ नहीं है, भीड़ थोड़ी शाम के वक्त आती है, लेकिन आप देखिए सब्जियों से अलग एक तरह से फ्रूट जो है वो रूठे हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रूट अक्सर महंगे हुआ करते थे, लेकिन सब्जियां अब उनका मुकाबला कर रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे फ्रूट जो है वो सब्जियों के महंगे होने से रूठ गए हैं या नाराज़ हो गए हैं। और यही नाराज़गी ग्राहकों में भी देखने को मिल रही है कि जिस तरह से सब्जियों के दाम, जो दैनिक वो इस्तेमाल किया करते थे, अदरक, हरी मिर्च और टिंडा, टमाटर, ये महंगे होने से कहीं ना कहीं ग्राहकों की जेब जो है वो भी ढीली ज़्यादा करनी पड़ रही है, और उन्हें अपना बजट जो है रसोई का वो भी बढ़ाने या कम करने या उनकी खपत कम करने पर वो भी साफ तौर पर मजबूर हैं। कैमरामैन कमलेश भाटी के साथ देवेंद्र सिंह, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।